कोडिंग मंत्राज में स्वागत है सभी कोडर्स का पाइथन प्रोजेक्ट्स की इस सीरीज में आज हम सीखेंगे जेनरेटिंग नंबर सीरीज इन पाइथन इसमें हम सिक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज बनाएंगे और यूजर से नंबर ऑफ एलिमेंट्स का इनपुट लेकर सीरीज को प्रिंट करा देंगे हम वाइल्ड लूप के साथ साथ कवर करेंगे पाइथन के मैथमेटिकल ऑपरेटर्स प्रोजेक्ट का डेमो देख लेते हैं पहले तो अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं और यहाँ पर हम शुरू में ही यूजर को कुछ मैसेजेस प्रिंट करा देंगे जिसमें हमने ये पैटर्न के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं अप टू सिक्स अगर यूजर का ऑप्शन वन है देन हम प्रिंट कराएंगे यहां पर स्क्वायर नंबर की सीरीज पैटर्न टू है हमारा एड स्क्वायर नंबर टू दी प्रीवियस नंबर ये सारा मैं अभी आपको डिटेल में दिखाऊंगा तो अभी आप केवल ये समझ लीजिए कि एक और जो अगला पैटर्न है उसमें हम ऐड स्क्वायर प्लस वन कर रहे हैं प्रीवियस नंबर में हम क्यूब्स के नंबर ले रहे हैं फोर्थ पैटर्न में क्यूब प्लस वन कर रहे हैं प्रीवियस नंबर के साथ पैटर्न नंबर फिफ्थ में और पैटर्न सिक्स है हमारा एड ऑड नंबर्स टू प्रीवियस नंबर्स एक बार इसे जनरेट कर लेते हैं तो अगर हम ऑप्शन डालते हैं वन एंड देन एंटर करते हैं तो अब हमसे हमारा प्रोजेक्ट सवाल पूछ रहा है कि रिक्वायर्ड एलिमेंट इन पैटर्न हम ट्वेल्व uh, लेकर चलते हैं इसमें कि हमें ट्वेल्व एलिमेंट्स चाहिए सो so, ट्वेल्व एंटर किया और हमें यहाँ पर ट्वेल्व स्क्वायर नंबर्स की सीरीज़ मिल गई है तो अभी हम डालेंगे यहाँ पर एंटर दी ऑप्शन नंबर तो ऑप्शन नंबर हम डालते हैं यहाँ पर टू और एंटर करते हैं रिक्वायर्ड एलिमेंट इस बार हम कर लेते हैं फोर्टीन एलिमेंट चाहिए हमें इस सीरीज में तो जो पैटर्न टू है हमारा उसकी हमें सीरीज मिल गई है अप टू 14 एलिमेंट्स पैटर्न टू क्या है पैटर्न टू है एड स्क्वायर नंबर्स टू दी प्रीवियस नंबर अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर पहले वन ऐड किया है वन में फिर टू का स्क्वायर होता है फोर फोर ऐड किया है टू में देन का स्क्वायर होता है नाइन नाइन ऐड किया है सिक्स में सिमिलरली फोर का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस किया है हमने फिफ्टीन में तो ये हमारे पास नंबर सीरीज जनरेट हो गई है डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू हमारा प्रोग्राम पूछ रहा है यहां पर हम अगेन बोलेंगे यस एंड देन हम कंटिन्यू हो जाएंगे अब हम एक बार थर्ड सीरीज भी देख लेते हैं इसमें हम एलिमेंट मांग लेते हैं मान लीजिए फिफ्टीन अब हम देख सकते हैं यहां पर हमें जो थर्ड पैटर्न है हमारा एड स्क्वायर प्लस वन टू दी प्रीवियस तो यहां पर हम जिस वक्त कोड करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा भी कि ये कैसे हो रहा है एंड यहां पर बेसिकली अगर हम समझे तो वन प्लस वन एड कर दिया है वन में फोर प्लस वन एड कर दिया है थ्री में थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस वन ऐड कर दिया है यानी कि टेन हमने एट में तो सिमिलरली ये सीरीज हमारी बनती जा रही है क्विकली देख लेते हैं हम फोर्थ ऑप्शन में क्या है फोर्थ में है हमारे पास अगर हम यहां पर एलिमेंट कर दें एटीन तो अब हमारे पास ये क्यूब्स की सीरीज मिल गई है सो so, टू का क्यूब थ्री का क्यूब फोर का क्यूब फाइव का क्यूब सिमिलरली यहां पर हमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये थे उसका क्यूब सिमिलरली अगर हम आगे जाए तो हम प्रिंट करा सकते हैं यहां पर अपना फिफ्थ पैटर्न एलिमेंट डाल देते हैं इसमें सिक्सटीन जो कि है एड क्यूब प्लस वन टू द प्रीवियस नंबर सिमिलरली इसमें भी हमने मैथ में ऑपरेशन लगाया हुआ है कि अब हम इसमें एड क्यूब प्लस वन कर रहे हैं यहां पर भी हम देखेंगे इसको आगे अगर मैं यहां करता हूं यस एंड देन पैटर्न सिक्स भी देख लेते हैं लास्ट यहां पे हम ले लेते हैं मान लीजिए ट्वेंटी टू एलिमेंट्स चाहिए हमें तो सिक्स सीरीज बोलती है हमारी एड ऑड नंबर टू प्रीवियस नंबर तो यहां पर सेम हमने यहां स्टार्ट किया है हमने दो से सो so, दो में हमने पहले एक एड किया देन उसके बाद हमने तीन ऐड किया फिर उसके बाद फाइव सेवन नाइन ऐसे करके हमने सारे ऑड नंबर्स ऐड कर दिए हैं अब अगर हम यहाँ से कहें कि हमें कंटिन्यू नहीं करना है तो हम बाहर आ जाएंगे लेकिन मैं इसमें और दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कुछ एक्सेप्शन भी इसमें डाले हुए हैं तो अगर हम अगेन करते हैं यस और एंटर ऑप्शन में हम यहाँ पर डाल देते हैं सेवन तो आप देखेंगे कि सेवन हमारे पास पैटर्न है ही नहीं ऑप्शन के लिए बट स्टिल अगर यूज़र गलत इनपुट डालता है और अब अगर हम इस पर एंटर करें तो हमें ये मैसेज मिल जाता है एक्सपेक्टेड ऑप्शन मस्ट बी पॉजिटिव नंबर बट ये हमें रिसीव हुआ है सेवन और यहाँ यूज़र को बता दिया है बिटवीन दिस ओके अब अगर हम यहाँ पर डाल दें टू इन अल्फ़ाबेट तो हमें मैसेज मिलेगा अगेन सेम ओके तो ये हमारा एक्सेप्शन हैंडल कर रहा है क्या होगा अगर मैं ऑप्शन तो सही डाल देता हूँ लेकिन पैटर्न में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कुछ गलत नंबर यानी कि मुझे चाहिए माइनस इलेवन अब हमारे पास मैसेज आ रहा है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी पॉजिटिव नंबर बट रिसिव एलेवन तो अब आप देख रहे हैं कि ये मैसेज इस मैसेज से डिफरेंट है तो हमें हमारे प्रोग्राम में पता है कि कहां पर यूजर ने गलत इनपुट दिया है और ये वापस हमें बोल रहा है कि प्लीज एंटर रिक्वायर्ड एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगेन तो अब हम यहां से वापस आएंगे अपने ऑप्शन नंबर वन पे अगर हम डालते हैं यहां पर वन और अब हम यहां पर डालते हैं फोरटीनथ मिल चुकी हमारी सीरीज एंड नो no करके हम यहां से बाहर आ जाते हैं देखते हैं अब अपने प्रोग्राम को यहां पर हमने एक हेल्पर uh, फाइल भी बनाई हुई है और इस हेल्पर फाइल में हमने सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं साथ ही मेन फाइल में हमने सारे इफ एंड एल की कंडीशंस लगाई हुई है ये हमारा सारा प्रोग्राम है एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ साथ हमने यहां पर अपने इफ एंड एल्स की कंडीशंस को भी प्रॉपरली लिख दिया है आपका एक लाइक like, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए मैटर करता है कोडिंग मंत्रास चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें तो चलिए शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में मैं ये सारे मैसेजेस को छोड़कर बाकी का कर देता हूं डिलीट एंड अब हम अपना कोड शुरू करते हैं ये मैसेजेस प्रिंट कराने के बाद ये हमने डाल दिए हैं सारे मैसेजेस वाइल लूप में वाइल ट्रू हमने पहले ही कर दिया है एंड अब हमें पता है while ट्रू लगाने के बाद हमें अपने प्रोग्राम में कहीं ना कहीं ब्रेक स्टेटमेंट जरूर देनी है अदरवाइज हमारा लूप इन्फाइनाइटली चलता रहेगा तो यूज़र से ऑप्शन लेने के लिए हमें यूज करना है पाइथन का इनपुट फंक्शन और इनपुट में हम डाल देते हैं एंटर द ऑप्शन नंबर एंड इस इनपुट को हम स्टोर कर लेते हैं पैटर्न ऑप्शन वेरिएबल पे। हमारे वेरिएबल के नाम हमेशा डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए यहां पर इसलिए प्रॉपरली नाम दिया गया है पैटर्न ऑप्शन नंबर ऑफ एलिमेंट का यूजर से हम इनपुट मंगा लेंगे तो कहेंगे कि रिक्वायर्ड एलिमेंट्स इन दी पैटर्न इनपुट में और इस इनपुट को हम डाल देंगे एक वेरिएबल और वेरिएबल का नाम रख देते हैं नम एलिमेंट नम एलिमेंट हम जानते हैं कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं इंट में तो यहां लिखेंगे नम एलिमेंट इज इक्वल्स इंट ऑफ नम एलिमेंट जैसा कि मैं अपने प्रीवियस पैथन प्रोजेक्ट्स के ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूं कि हमें अपने इनपुट को यहां ही इंट में कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि अगर हम उसे यहां ही इंट में कन्वर्ट कर देंगे लाइन नंबर सिक्सटीन में ही हम उस पर कोई और मैथड या फिर कोई चेक नहीं लगा पाएंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हम उस पर यहां नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए हम अभी इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं हम बोलेंगे इफ पैटर्न ऑप्शन जो है वो इक्वल्स इक्वल्स है स्ट्रिंग ऑफ वन जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि जो भी हमारे पास इनपुट आएगा वो हमेशा स्ट्रिंग में ही आएगा और स्ट्रिंग में आए हुए इनपुट को हमें अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना होता है इंट में अगर हमें उसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑपरेट करना है अगर हमें उस पर और पैटर्न ऑप्शन पर हमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं करना करना हम इसे चाहें तो डायरेक्ट स्ट्रिंग के वन से ही मैच करा सकते हैं ओके okay, तो अब हम यहां पर अपना एक फंक्शन बनाएंगे पहले और उस फंक्शन से हम स्क्वायर पैटर्न्स की एक लिस्ट मंगा लेंगे तो यहां पर मैंने ऑलरेडी सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं पर हमें इन्हें भी स्क्रैच से ही बनाना है तो पहला हम फंक्शन बना लेते हैं स्क्वायर पैटर्नस के लिए तो लिखते हैं डेफ स्क्वायर पैटर्न एंड इसको हमें देना है केवल एनथ एलिमेंट तो हम यहां पर पैरामीटर बना देते हैं एन इस पैरामीटर में हम कोई आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट होगा एंड यूज कर लेते हैं यहां पर स्क्वायर नंबर जनरेट करने के लिए लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का ओके सो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन को भी समझना एंड मास्टर करना बहुत जरूरी है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है आप उसको रेफर कर सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने उसमें समझाया है कि कैसे ईजिली लिस्ट कॉम्प्रीहशन को यूज कर सकते हैं कैसे इफ़ स्टेटमेंट्स लिस्ट कॉम्प्रिंसन में यूज़ कर सकते हैं साथ ही साथ नेस्टेड इफ़ एंड नेस्टेड फोर लूप भी मैंने एक लिस्ट कॉम्प्रियसन में डालकर उसको समझाया है यहाँ पर हम बहुत ही ईजी सा पैटर्न यूज करने वाले हैं केवल स्क्वायर नंबर का तो हम लिख देंगे सीधा कि एक लिस्ट दे दो हमें जिसमें आईएथ एलिमेंट का हमें चाहिए स्क्वायर सो फोर आई इन रेंज क्योंकि हमें स्क्वायर देना है तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा वन से जीरो से हम स्टार्ट नहीं करेंगे यहां सो so, वन का स्क्वायर एंड देन यूजर ने जो भी एनथ टर्म डाला है उस एनथ टर्म में भी हम प्लस वन करेंगे सो एन प्लस वन हमने यहां पर एन प्लस वन क्यों किया है एक बार जरा हम रेंज फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं तो जैसे हम रेंज पर होवर करेंगे वी कोड में हम देखेंगे कि ये क्लास ऑफ रेंज का ऑब्जेक्ट है रेंज ऑब्जेक्ट है रेंज का जो कि लेता है ये पैरामीटर्स एक स्टार्ट एक स्टॉप और एक लेता है तीसरा स्टेप अभी हम स्टेप को यूज नहीं कर रहे हैं हमने केवल स्टार्ट एंड स्टॉप यूज किया है रिटर्न एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसिस सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम स्टार्ट इंक्लूसिव टू स्टॉप एक्सक्लूसिव तो जो हम लोग स्टॉप का पैरामीटर दे रहे हैं वो एक्सक्लूसिव है वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा तो अगर हमें एनथ टर्म चाहिए यानी कि हमें चाहिए सिक्स टर्म तक तो अगर हम यहां पर सिक्स ही लिखेंगे देन ये हमें रिटर्न करेगा फाइव क्यों करेगा फाइव रिटर्न क्योंकि जो सिक्स है वो जो आउटर रेंज है वो हमेशा एक्सक्लूसिव रहती है सो आई होप अब आप समझ रहे होंगे कि हमने क्यों यहां पर एन प्लस वन किया है इसको हम डाल देते हैं एक वेरिएबल में और उस वेरिएबल का नाम रख देते हैं पैटर्न लिस्ट एंड इसको करा लेते हैं हम रिटर्न हम यहां पर इस पैटर्न लिस्ट को बनाने के बाद रिटर्न कराएंगे अपने इस कोड में एंड देन यहां पर हम उसे एक वेरिएबल में डाल के यूज करेंगे ओके okay, अगर यहां पर हमें कुछ डाउट है कि ये क्या जनरेट करेगा तो हम इस फंक्शन को यहां पर ही कॉल कर लेते हैं इफ नेम इक्वल्स मेन हम यहां पर कर देते हैं एंड यहां पर कॉल कर लेते हैं अपना ये फंक्शन और इसको पास कर देते हैं हम रेंज 20 एंड इसे करा लेते हैं प्रिंट अगर आप ये सोच रहे हैं कि इफ नेम इक्वल्स इक्वल्स मेन ये किस लिए लिखा है अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड अगर नहीं पता है तो मैं क्विकली बता देता हूँ क्योंकि हम यहाँ पर अपनी हेल्पर फाइल को इंपोर्ट करने वाले हैं अपनी मेन डॉट पाई फाइल में जैसे ही हम मेन डॉट पाई फाइल को रन करेंगे तुरंत हमारा ये सारा कोड रन होना शुरू हो जाएगा और अगर हम ये प्रिंट स्टेटमेंट इफ नेम टू मेन से बाहर लिख देंगे तो ये स्टेटमेंट भी साथ में रन हो जाएगी केवल इंपोर्ट सिंटेक्स की मदद से ही हम पाइथन में जिस फाइल से इंपोर्ट कर रहे हैं उस फाइल में किसी भी लाइन को रन कर सकते हैं अगर वो जीरो इंडेंट पे होगी ओके सो अगर उसका इंडेंटेशन जीरो होगा तो वो कोड जरूर चल जाएगा इसको भी डिटेल में समझाने के लिए मैंने एक वीडियो ट्यूटोरियल बनाया है कि वट इज इफ नेम इकोसिकोल्स मेन उस वीडियो ट्यूटोरियल का आप रेफर कर सकते हैं पर फिलहाल मैं यहां पर रख देता हूं इस लाइन को इफ़ नेम इकोसिक्वल्स इकोस मेन के अंदर ओके ये बहुत ही सिंपल सा सिंटैक्स है इसको देखकर आपने इंटीमिडेट नहीं होना है क्योंकि एक बिगनर कोडर से आप इंटरमीडिएट एंड देन एडवांस लेवल पे तभी आएंगे जब आप धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को समझेंगे और उनको यूज करना स्टार्ट करेंगे ठीक है तो अगर मैं सिर्फ इस फाइल को रन करूँ तो अब हमें यहाँ पर एक लिस्ट मिल जाएगी जो कि 20 तक के नंबर को स्क्वायर करके मुझे रिटर्न करके दे रही है लिस्ट तो मेरा लिस्ट कॉम्प्रियशन काम कर रहा है अब हम यहाँ पर अपना फंक्शन जो हमने अभी क्रिएट किया उसको कॉल कर लेते हैं एक चीज और मैं बताना चाहता हूं फॉर गुड कोडिंग प्रैक्टिस आप कभी भी यहां पर यह सिंटेक्स ना यूज करें कि फ्रॉम हेल्पर इंपोर्ट स्टार गुड कोडिंग प्रैक्टिस के लिए भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है वो आप जाकर रेफर कर सकते हैं उसमें इसको मैंने डिटेल में समझाया है हम स्पेसिफिकली कॉल करेंगे हमें जो भी एलिमेंट चाहिए तो अब हमने यहां पर हेल्पर को इंपोर्ट कर लिया है और हेल्पर का हम ये वाला फंक्शन स्क्वायर पैटर्न यहां पर कॉल कर लेंगे तो हम लिखेंगे हेल्पर फाइल हमारी धर्न डॉट स्क्वायर पैटर्न और यहाँ पर हम पास कर देंगे जो भी नम एलिमेंट हमारे पास आएगा सो so, ये नम एलिमेंट अब ये कहलाएगा आर्ग्यूमेंट एंड यहां पर ये था पैरामीटर तो पैरामीटर हम फंक्शन में प्लेस करते हैं आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यू है वो प्लेस करते हैं क्योंकि ये फंक्शन हमारा रिटर्न कर रहा है कुछ ना कुछ इस रिटर्न को कैप्चर करने के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक वेरिएबल तो यहाँ भी हम वेरिएबल का नाम पैटर्न लिस्ट ही कर देते हैं पैटर्न लिस्ट और अब हमारे पास पैटर्न लिस्ट में ये चला आएगा ओके okay? एंड इसको हम करा लेते हैं यहाँ पर प्रिंट अब अगर हम चाहें तो अपने कोड को वैसे चेक कर सकते हैं लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पर वाइल्ड ट्रू लिखा हुआ है तो हमें पहले ब्रेक के लिए भी कंडीशन देनी होगी तो पहले हम ब्रेक के लिए ही कंडीशन दे देते हैं तो हम लिख देते हैं इज कंटिन्यू सो इस कंटिन्यू के अंदर हम डालेंगे इनपुट और यूजर से पूछेंगे डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू एंड देन हम ऑप्शन बोल देंगे यस ओब्लैग नो और यहां पर जवाब ले लेंगे आगे हम इफ की कंडीशन लगा देंगे कि इफ इज कंटिन्यूस इक्वल्स इक्वल्स यस देन आप कर दें कंटिन्यू एल्स आप कर दें ब्रेक ठीक है डॉट लोअर भी लगाएंगे हम यहां पर अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं तो अब आप समझ गए होंगे कि हमने डॉट लोअर का यूज यहां पर क्यों किया है डॉट लोअर को हम इक्वल्स कर देंगे यस yes के अगर यस yes है तो कर देंगे कंटिन्यू और हमारा कोड पहुंच जाएगा वापस वाइल्ड ट्रू वाली स्टेटमेंट पर और वाइल्ड ट्रू इज स्टिल ट्रू यहां पर फॉल्स तो हुआ नहीं है और हमारा कोड वापस से रन हो जाएगा अगर यूजर बोलता है यस yes के अलावा कोई और चीज़ तो वो ब्रेक हो जाएगा और हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे बाहर ओके सो समेयर हेयर यहाँ पर आगे कुछ नहीं है तो हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा वेरी गुड तो एक काम करते हैं यहां तक हम अपने प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं तो हमने किया रन अब क्योंकि ऑप्शन अभी वन ही डाल सकते हैं हम नंबर ऑफ पैटर्न हम डाल देते हैं फिफ्टीन एंड देन यहां पर हमारे पास प्रिंट हो गया है so, सो अब हम करते हैं अपना दूसरा ऑप्शन इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड यहां पर यूज करेंगे एलिफ और अब हम लिख लेते हैं अपना दूसरा फंक्शन जो कि है एड स्क्वायर नंबर टू प्रीवियस नंबर यहां पर कॉपी कर लेते हैं इसको नाउ अगर हम ये पैटर्न समझें तो हमारे पास अगर पहला नंबर वन है तो दूसरा नंबर होगा वन का स्क्वायर यानी कि टू देन टू का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा फोर एंड फोर प्लस टू इज सिक्स देन थ्री का स्क्वायर नाइन एंड सिक्स प्लस नाइन हो जाएगा हमारे पास फिफ्टीन तो ऐसे यह सीरीज चलती रहेगी ये पैटर्न हमें चाहिए इसका हम नाम भी चेंज कर देते हैं नाम हम रख देते हैं एड स्क्वायर पैटर्न और यहाँ पर अब हम शुरू करते हैं पहले अपनी इस लाइन को कर देते हैं डिलीट एंड देन एक वेरिएबल बनाते हैं पैटर्न लिस्ट और इसको हम इनिशलाइज कर देते हैं विद एम लिस्ट पैटर्न यहाँ भी हम इस लाइन को डिलीट कर देते हैं रिटर्न को अभी और अब हम लिखेंगे पहला एलिमेंट अगर हमारा वन है तो हम एक्स इक्व टू वन कर देते हैं तो क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट है आप अगर चाहें तो इसका नाम दे सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट तो फर्स्ट एलिमेंट अगर वन है उसके बाद हम लगाएंगे अपना फोर लूप फोर आई इन रेंज अगेन हम यहां पर यूज करेंगे वन से एंड देन एन प्लस वन इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि एन प्लस वन हम क्यों लेंगे और यहां पर लिख देंगे कि पैटर्न लिस्ट को अपेंड कर दो विद एक्स और एक्स की जगह हमने कर दिया ऐसे फर्स्ट एलिमेंट तो हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो आप जो भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा इसको मैंने अलग वेरिएबल में क्यों लिया है अलग वेरिएबल में इसलिए लिया है मान लीजिए कोई लिस्ट हमारी फाइव से स्टार्ट हो रही है ओके okay? सो so, अगर हमारी लिस्ट यहां पर स्टार्ट हो रही है फाइव से तो फिर हम उसमें फाइव प्लस वन का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर हो जाएगा सिक्स एंड देन समथिंग एल्स तो हमें अपना पूरा कोड चेंज करने की जरूरत नहीं है अगर हम इस वेरिएबल को अलग नहीं बनाएंगे तो पर अगर हमने इस वेरिएबल को अलग से बना लिया तो आपको जस्ट यहां पर आकर फर्स्ट एलिमेंट में वो वैल्यू चेंज कर देनी है और बाकी हमारा कोड ऐसा ही काम करता रहेगा ओके okay, तो यहां पर हमने ले लिया फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट को ही सबसे पहले अपेंड करा दिया अपनी लिस्ट में और उसके बाद हम लिखेंगे ये फर्स्ट एलिमेंट की जगह अब वो हो जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा हमारा इज इक्वल्स टू जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है प्लस हम कर रहे हैं यहाँ पर i का स्क्वायर ओके okay, अब आप यहाँ पर समझें कि हमने बोला जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है मान लीजिए इस केस में फाइव मैं इसको वापस कर देता हूँ वन नहीं तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है तो अब अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वन तो आप फर्स्ट एलिमेंट को लें एंड देन उसमें प्लस कर दें i का स्क्वायर तो i हमारा पहले इटरेशन में क्या आएगा पहले इटरेशन में आएगा वन क्योंकि हम वन से रेंज स्टार्ट कर रहे हैं तो वन का स्क्वायर यानी कि वन सो हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा वन प्लस वन इक्व टू टू देन नेक्स्ट एलिमेंट तो यहाँ सही है पर फिर हमारे इस वेरिएबल का नाम हो जाना चाहिए था प्रीवियस एलिमेंट ओके एंड देन फिर हम अपेंड कर रहे हैं एलिमेंट को तो इसलिए हमारे पास सबसे अच्छा है कि हम इसे ले लें एक्स तो सारे इंस्टांसेस को मैं सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं इसको कर देता हूँ एक्स एंड यहाँ पर भी कर देता हूँ एक्स और अब हम अपने कोड को दोबारा समझ लेते हैं तो हमने कहा कि x इक्व टू वन और उस x इक्व टू वन को आप अपेंड कर दें हमारी पैटर्न लिस्ट में देन उस x को आप अब बना दें x यानी कि जो प्रीवियस एलिमेंट है वन प्लस में i का स्क्वायर सेकेंड इटरेशन में क्या हो जाएगा यहां पर प्रीवियस एलिमेंट आएगा हमारे पास टू देन टू में आप प्लस कर दें यहां पर भी आई इक्व टू आएगा टू रेस टू दावर टू फोर प्लस टू हो जाएगा सिक्स थर्ड इटरेशन में हमारे पास एक्स होगा सिक्स देन आई का स्क्वायर यानी कि थ्री का स्क्वायर हो जाएगा नाइन सो सिक्स प्लस नाइन हो जाएगा फिफ्टीन तो ये हमने यहाँ पर सिंटेक्स लिख दिया है अब हम यहाँ से रिटर्न करा लेंगे वापस अपनी पैटर्न की लिस्ट को एंड देन इस फाइल को करते हैं सेव और वापस आ जाते हैं अपनी मेन डॉट पाई में अब हम मंगा लेंगे यहां पर एड स्क्वायर पैटर्न को अगेन यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट पास कर देंगे और प्रिंट करा लेंगे अब क्योंकि अब हम ये सिंटैक्स समझ चुके हैं तो क्विकली क्रिएट कर देते हैं हम अपना थर्ड पैटर्न जो यूजर का ऑप्शन है वो थ्री है तो इस कोड को हम कर लेते हैं कॉपी इसको नाम दे देते हैं हम स्क्वायर प्लस वन और इसमें क्या हो रहा है अगर हम यहाँ पर जल्दी से एग्जाम्पल देख लें इसका तो अगर हमारा पहला एलिमेंट है वन देन वन का स्क्वायर इज वन एंड प्लस वन सो वन का स्क्वायर और साथ में हम बोल रहे हैं प्लस कर दो वन ये हमें किस में ऐड करना है ये हमें ऐड करना है अपने प्रीवियस एलिमेंट में सो वन प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास थ्री ठीक है तो इसको कर देते हैं हम थ्री सेम इस सिंटैक्स को लिखा रहने देते हैं और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास थ्री प्लस वन की जगह क्या हो जाएगा यहां पर टू और उसमें प्लस कर दो वन ठीक है सो इट विल बिकम थ्री एंड देन फोर प्लस वन तो हो जाएगा हमारे पास एट सिमिलरली अगर हम यहां पर करें प्रीवियस एलिमेंट है हमारा एट और टू की जगह हो जाएगा यहाँ पर थ्री का स्क्वायर एंड देन यहाँ पर अगेन वन तो एट प्लस नाइन प्लस वन इट विल बिकम एटीन सिमिलरली हमारा पैटर्न चलता रहेगा तो पहला एलिमेंट हम अगेन एक्स रख देते हैं एक्स इक्स टू वन आई का रेंज हमें यही रखना है पैटर्न के लिस्ट में अपेंड कर दिया हमने वन को सबसे पहले क्योंकि हमारा वन से स्टार्ट हो रहा है देन नेक्स्ट एलिमेंट के लिए हम कर देंगे एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर एंड सिंपली प्लस वन बस ये हमें चेंज करना है और हमारे पास रिटर्न आ जाएगा पैटर्न लिस्ट में ये चीज फाइल को करते हैं सेव और यहां मंगा लेंगे हम स्क्वायर प्लस वन पैटर्न को सेम हम नंबर ऑफ एलिमेंट पास कर देंगे एंड देन पैटर्न लिस्ट को प्रिंट करा लेंगे इसको आगे कर लेते हैं कॉपी यूजर ऑप्शन विल बिकम फोर और हमारा नेक्स्ट मैथड है क्यूब नंबर्स क्यूब के लिए भी हम सेम लिस्ट कॉम्प्रीहशन कॉपी करेंगे स्क्वायर नंबर वाला और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट यहाँ पे इसको नाम दे देंगे हम क्यूब एंड देन यहाँ पर हो जाएगा आई रेस्टू पावर थ्री सिंपल पैटर्न लिस्ट हम वापस मंगा लेंगे और यहाँ पर कर देंगे हम क्यूब पैटर्न अगर हम फिफ्थ एलिमेंट लिखें सो फिफ्थ एलिमेंट में भी हमारा सिंपल है वो है एड क्यूब प्लस वन टू द प्रीवियस तो क्यू प्लस वन केस में हम अपने इस फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट पहले नाम चेंज कर देते हैं यहाँ पर क्यूब और क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पर बना चुके हैं स्क्वायर से रिलेटेड तो यहाँ कर देते हैं थ्री और वन इसको डाल देते हैं अपने पैटर्न लिस्ट में रिटर्न करा लेंगे सेम हमारे पास यहाँ आ जाएगा वो इसको हमें चेंज करना है क्यूब प्लस वन क्यूब प्लस वन पैटर्न ओके नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं तो नेक्स्ट पैटर्न है हमारा यहां पर सिक्स और क्या बोलता है ये कि एड ऑड नंबर्स टू प्रीवियस नंबर्स ओके इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं सो एड ऑड पैटर्न के लिए हम अपने इस अपने इस फंक्शन को करते हैं हम कॉपी और यहाँ पर पेस्ट इसका नाम चेंज कर देते हैं नाम कर देते हैं एड ऑड पैटर्न पैटर्न लिस्ट सेम वेरिएबल रहने देते हैं एक्स इक्व टू वन की जगह यहाँ पर हम कर लेते हैं मान लीजिए टू से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं देन फॉर आई इन रेंज आई एंड एन प्लस वन सेम पैटर्न लिस्ट में पहले अपैंड कर दो, दो को नॉट एन इशू फिर अब हमें चाहिए क्योंकि हम कर रहे हैं यहाँ पैटर्न सिक्स एड ऑर्ड नंबर टू प्रीवियस नंबर ओके सो अगर हम इसका पैटर्न समझें तो हम बोल रहे हैं कि अगर हमारा पहला नंबर टू है देन अगला नंबर टू प्लस वन यानी कि थ्री देन थ्री में हमारा जो नेक्स्ट ऑड नंबर होगा वो होगा थ्री सो so, ये हो जाएगा सिक्स देन नेक्स्ट हो जाएगा हमारा फाइव ऐड कर दो उसमें एंड देन उसके बाद सेवन ऐड कर दो तो ऐसे ये सीरीज हमारी चलती रहेगी इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए ऑर्ड नंबर्स की लिस्ट ओके क्योंकि उस लिस्ट को हमें यहाँ पर ऐड करना है अपने एक्स में तो पहले एक काम करते हैं हम देख लेते हैं कि ऑर्ड नंबर्स की लिस्ट हम कैसे बनाएंगे Odd लिस्ट इज equals टू लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस की मदद से हम यहां पर लिख देंगे आई दे दो हमें फॉर आई इन रेंज रेंज अभी हम डिस्कस कर लेते हैं और यहां लिख देते हैं इफ आई का जो मॉड्यूलर है विद टू तो रिमाइंडर हमारे पास बचना चाहिए वन ठीक है अगर रेंज में डालता हूं यहां पर दस सिंपल पहले अभी हम समझ लेते हैं इसको एंड प्रिंट करा लेते हैं हम odd लिस्ट इसको फिलहाल के लिए कर देते हैं डिलीट तो यहां पे हमने क्या लिखा हमें ओ वन नोट नोट वन इट शुड बी आई हमें आई दे दो फॉर आई इन रेंज टेन इफ आई का जो मॉड्यूलर है विथ टू इज इक्वल्स वन यानी कि जो आई के साथ मॉड्यूलर है दो के बाद वो रिमाइंडर हमारे पास वन रिटर्न कर रहा है सो so, रन करते हैं इसे और हमारे पास यहां पर पांच एलिमेंट मिल गए हमारी लिस्ट में ठीक है ये पांचों के पांचों हैं ऑड नंबर्स वेरी गुड लेकिन हमने यहाँ पर रेंज अगर 10 दी है तो हमें यहाँ पर पांच एलिमेंट मिल रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ हमने कहा है कि हमारा जो लूप है आप तब तक चलाओ जब तक कि हमारे पास नंबर 10 तक ना हो जाए और रेंज फंक्शन में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो आउटर रेंज होती है वो होती है एक्सक्लूसिव जो स्टॉप होता है सो दस तो हमें यहाँ पर कभी नहीं मिलेगा हमें मिलेगा यहाँ पर नौ तक और नौ तक होने पर हमें पाँच एलिमेंट मिल गए हैं तो अगर मुझे यहाँ पर चाहिए फिफ्टी एलिमेंट तो मुझे यहाँ पर लेने पड़ेंगे अप टू हंड्रेड अगर मेरा स्टार्टिंग है मान लीजिए वन से और मुझे चाहिए दस एलिमेंट तो मुझे यहाँ पे लेने पड़ेंगे टोटल ट्वेंटी वन तक क्यों ट्वेंटी वन क्योंकि ट्वेंटी वन हमारे पास इंक्लूड नहीं होगा ट्वेंटी को हम इंक्लूड कर लेते हैं और जहाँ रन कर देते हैं इसे. तो अब हम देखेंगे हमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो ये इतना मिल चुका है सो so, इस ऑर्ड लिस्ट को लेकर चलते हैं ऊपर एंड हम इसको रख देते हैं इधर ओके okay. सो so, हमने कहा कि एक्स जो पहला एलिमेंट है वो हो जाए दो जो ऑड लिस्ट है हमारी वो चलेगी आई फॉर आई इन रेंज वन टू जो भी हमारे पास एन आएगा उस एन का मल्टीप्लाइड बाय टू एंड प्लस कर देते हैं वन एक एलिमेंट और हम लेकर चलते हैं यहाँ पर सो so, ये हो जाएगी हमारी ऑड नंबर के लिस्ट ठीक है नाउ अब हम बोल रहे हैं कि आप हमारे एक्स यानी कि प्रीवियस एलिमेंट को लो उसमें आप ऑड लिस्ट है उसका आयथ एलिमेंट है माइनस वन उसको ऐड कर दो माइनस वन का यहां पे क्या मतलब है हमें ये पता है कि जो इंडेक्स है पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो जो इंडेक्स है वो जीरो से स्टार्ट होता है तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि आई की जो रेंज लिया वो हमने वन से ली है पर हम उसे देना चाहते हैं जीरो से तो जब हम यहाँ पर जीरो देंगे तभी हमें यहाँ पर जीरो इंडेक्स का एलिमेंट मिलेगा नहीं तो हमें वन यानी कि वन इंडेक्स का नंबर मिल जाएगा अगर इसे क्विकली समझना है तो एक बार इसे हम लेकर चलते हैं बाहर एंड यहाँ पर हम प्रिंट कराते हैं कि आप हमें प्रिंट कर दो ऑड लिस्ट का जो इंडेक्स है ज़ीरो लेकिन उससे पहले यहाँ एन की जगह हम कर देते हैं ट्वेंटी वन तक है हमारे पास और हम ऑड लिस्ट का जीरो एलिमेंट मांग रहे हैं लिस्ट भी प्रिंट करा लेते हैं ताकि हम कंपेयर कर सकें इसे रन कर देते हैं जो जीरो एलिमेंट है वो जीरो नंबर पे आया हमारे पास वन सिमिलरली वन पे आएगा थ्री टू पे आएगा फाइव थ्री पे आएगा सेवन इस तरीके से ओके अगर हम चाहें यहाँ पर एलिमेंट थर्ड एलिमेंट प्रिंट कराना चाहें इसको नीचे करते हैं और उसको ऊपर रन कर देते हैं सो थर्ड एलिमेंट सेवन हमें मिल गया है तो यहाँ पर हमने आई माइनस वन क्यों किया है आई माइनस वन हमने इसलिए किया है क्योंकि हम यहाँ i स्टार्ट कर रहे हैं वन से क्योंकि यहाँ बोला है हमने फोर लूप में i रेंज वन से पर हम चाहते हैं जीरो से स्टार्ट हो तो पहला एलिमेंट होगा यहाँ पर वन माइनस वन इक्व टू जीरो तो हमें वन मिल जाएगा अगर हम यहाँ पर इसको i छोड़ दें तो हमारे पास पहले एलिमेंट में वो प्लस कर देगा थ्री जबकि हम चाहते हैं कि पहले एलिमेंट में वन ही प्लस हो तो आई होप अब आप समझ रहे हैं हम यहाँ पर क्यों आई माइनस वन कर रहे हैं कई बार अपने इस चैनल पे मैं ओवर एक्सप्लेन uh, भी कर देता हूँ लेकिन uh, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कौन सी टारगेट uh, ऑडियंस है हमारी ओवर एक्सप्लेनेशन इज आई थिंक की गुड देन कम्पेयर टू हम अंडर एक्सप्लेन uh, करें क्योंकि अगर ओवर एक्सप्लेनेशन है और आपको उस टॉपिक के बारे में आइडिया है तो आप क्विकली उसको स्किप कर सकते हैं अंडर एक्सप्लेन किया तो अगर किसी यूज़र को आइडिया नहीं है तो उसके लिए चीज़ें समझनी थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड प्लीज बियर विद मी ओके अब हम यहां पर देखें हमें हमारा पैटर्न मिल जाना चाहिए तो इसको करते हैं हम सेव इन तीनों स्टेटमेंट्स को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये हमारी अदरवाइज प्रिंट हो जाएंगी और वापस चलते हैं हम हमारे पास सिक्स में आ जाएगा यहाँ एड ऑड पैटर्न यहाँ पर हमने अपने सारे पैटर्न लिख लिए हैं एल्स के लिए भी यहाँ लिख देते हैं कि अगर यूज़र ने इनके अलावा कोई और ऑप्शन डाल दिया तो उसे हम सिंपल प्रिंट करा देंगे रिक्वायर्ड ऑप्शन हमारे पास ये थे पर आपने कुछ और लिख दिया है ठीक है सो रिक्वायर्ड ऑप्शन आर वन टू थ्री वर फाइव सिक्स बट रिसीव जो भी वो डाल देगा वो हमारे पास मिल जाएगा इसको हमने एक बार एल्स में कैच कर लिया है एंड देन रन करते हैं अपना प्रोग्राम जल्दी से सो so, सबसे पहले हम सिक्स को ही चेक कर लेते हैं सिक्स एंड हमने बोला हमें चाहिए ट्वेल्व एलिमेंट तो अब हमें यहाँ पर ट्वेल्व एलिमेंट मिल चुके हैं जिसमें कि और नंबर ऐड करते हुए जा रहे हैं सो डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू यस क्विकली चेक कर लेते हैं हम फिफ्थ यहाँ पे भी दे देते हैं दस फ़िलहाल के लिए और यहाँ पर हमें दस नंबर मिल चुके हैं फिफ्थ पैटर्न है हमारा एड क्यू प्लस वन सो यहाँ पर आप देखेंगे वो हमारे पास मिल चुका है तो कंटिन्यू फिलहाल के लिए अगर हम अच ओके okay, अब हम यहाँ पर जो हमारा और एक और एक्सेप्शन एक बचता है उसको कैच करेंगे वो क्या है हमारा अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर यस और ऑप्शन में मैं, मैं डाल देता हूँ कोई भी नंबर अल्फाबेटिकली और पैटर्न भी अब ये पूछ रहा है मुझसे जबकि अगर मैंने यहां पर गलत डाला है तो नेक्स्ट लाइन आने ही नहीं चाहिए और यहाँ पर अगर मैं डाल देता हूं ट्वेंटी बट रिसीव्ड नंबर ओके यहां पे गलत इनपुट आने पर ही हमारा अगला कोड ना चले उसके लिए हम क्या करेंगे उसके लिए अभी हम चलते हैं यहां से बाहर एंड देन यहां पर लगा देते हैं कंडीशन चेक करो इफ पैटर्न ऑप्शन डॉट इज डिजिट एंड ये जो पैटर्न ऑप्शन है वो है इन रेंज वन टू सेवन ओके तो यहां क्या बोला है हमने हमने कहा है कि अगर जो हमारा पैटर्न ऑप्शन है इसको अभी इग्नोर कर दें ये एरर अभी हमारी जाने वाली है जस्ट तो पैटर्न ऑप्शन इन रेंज है हमारा वन टू सेवन ओके okay, क्योंकि हमने पैटर्न अपना दिया है वन से लेकर सिक्स तक पर हमने सेवन क्यों लिखा है क्योंकि अगेन रेन फंक्शन में जो आउटर नंबर uh, है स्टॉप डिजिट का वो एक्सक्लूसिव रहता है तो यहाँ पर हमें वन टू सिक्स मिल जाएगा लेकिन वो मिलेगा हमें स्ट्रिंग का हमें इनपुट में मिला है स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग में मिलेगा uh, इसलिए इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम इंट में ओके सो आई होप अब आप समझ रहे हैं हम बोल रहे हैं कि अगर हमारा जो पैटर्न ऑप्शन है वो डिजिट होना चाहिए तो यहां पर तो वो स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का मेथड डिजिट हमने यूज किया है एंड वो पैटर्न का जो इंट में कन्वर्ट करने के बाद उसकी रेंज होनी चाहिए वन टू सेवन इंट में हमने कन्वर्ट क्यों करने के बाद बोला क्योंकि ये पैटर्न ऑप्शन है स्ट्रिंग में जबकि रेंज फंक्शन हमें रिटर्न करता है एक इंटीजर इसलिए हमने पहले उसे इंट में कन्वर्ट कर दिया उसके बाद हम बोल रहे हैं कि अगर यहां तक ये सब सही है देन ओनली हमारा बाकी का कोड चलना चाहिए एंड इसके बाद हम बोल रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो आप प्रिंट कर दें कि एक्सपेक्टेड ऑप्शन मस्ट बी पॉजिटिव नंबर वन टू सिक्स बट रिसीव्ड जो भी पैटर्न ऑप्शन आएगा वो एंड प्लीज एंटर पैटर्न ऑप्शन अगेन यहाँ हमें क्लियरली पता है कि पैटर्न ऑप्शन ही हमें गलत मिला है और अब हम बोल रहे हैं कंटिन्यू सो so, हम वापस आ जाएंगे ये सारी स्टेटमेंट को शो करने के साथ ही ओके okay, अब अगर नम एलिमेंट में ही हमें गलत इनपुट मिल गया उस केस में हम क्या करेंगे हम यहां पर डाल देंगे पहले ही हम देख लेंगे कि वो डिजिट है भी या नहीं सो इफ नम एलिमेंट डॉट इज डिजिट है देन ओनली आप बाकी का कोड चलाएं ओके okay? सो so, बाकी का कोड यानी कि यहां तक ये पूरा कोड हमारे पास तभी चलना चाहिए और अगर नहीं है तो आप प्रिंट कर दें ये मैसेज यूजर के पास कि जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एलिमेंट अब हमें क्लियरली पता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट में गड़बड़ है सो so, अब हम क्विकली समझते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है हमने पहले यूजर को सारी के सारी प्रिंट स्टेटमेंट्स दिखा दी देन हमने यूजर से पैटर्न ऑप्शन ही पूछ लिया इनिशियली कि आपको कौन सा पैटर्न प्रिंट कराना है यूजर का इनपुट अगर इस डिजिट डिजिट है और उस पैटर्न ऑप्शन को इंट में कन्वर्ट कराने के बाद वो रेंज वन टू सेवन है देन ओनली हम आगे बढ़ेंगे नहीं तो हम ये मैसेज यूजर के पास प्रिंट करा देंगे और अपने कोड को कर देंगे कंटिन्यू अपने लूप को कर देंगे कंटिन्यू मैसेज क्या है कि भाई हमें एक्सपेक्टेड ऑप्शन थे जो कि इस रेंज में होने चाहिए पर हमें आपने ये दिया है एंड प्लीज एंटर पैटर्न वंस अगेन अब अगर सब कुछ सही है जो पैटर्न ऑप्शन है वो वन टू सेवन की रेंज में ही है तो हम आगे बढ़ जाएंगे अब हम यूजर से पूछेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट आप बताइए कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने चाहिए आपको उस पैटर्न में अगेन हम यूजर के इस इनपुट को डिजिट में चेक करेंगे कि भाई ये डिजिट में दिया है या नहीं अगर डिजिट में दिया है तो हम उसे इंट में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि आगे ये नंबर ऑफ एलिमेंट हमें चाहिए अपने फंक्शन में ये जो एन है हमारे पास सभी में वो इंट में ही हमारे पास आ रहा है तभी हम उसे रेंज फंक्शन में यूज़ कर पा रहे हैं तो हमने उसे इंट में कन्वर्ट कर दिया फिर हमने अपने Uh, सभी ऑप्शंस के लिए एक इफ़ का कोड ब्लॉक बना लिया अगर पैटर्न ऑप्शन वन है ये कोड चलाएं स्क्वायर पैटर्न को कॉल कर लें और पैटर्न लिस्ट को प्रिंट कर दें अगर ऑप्शन टू है तो इसे बुलाकर आप पैटर्न लिस्ट को प्रिंट कर दें सिमिलरली अब आप समझ गए ये सारा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में अगर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो डिजिट ही नहीं है तो हम यहाँ आ जा रहे हैं सीधे इस एफ ब्लॉक में जो कि प्रिंट करके दे रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट आपने गलत डाला है ओके okay, क्योंकि हमें पता है कि ये एल्स तभी चलेगा जब हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट वाले ब्लॉक में हैं ओके okay, यहाँ से हमने वापस उसे कंटिन्यू पे करा दिया है और ये हमारा पूरा प्रोग्राम बनकर हो गया है तैयार आप इसको रेफ़र कर सकते हैं इसमें हमने न सिर्फ इतने सारे ये नेस्टेड इफ़ एंड एलिफ़ कंडीशंस को हैंडल किया बल्कि हमने कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी किए हैं साथ ही हमने ये सारे अपने ऑपरेशंस को अलग अलग फंक्शंस में बनाया एक अलग मॉड्यूल हेल्पर डॉट पाई बनाया और उसको इंपोर्ट किया हमने अपनी मेन डॉट पाई फाइल में इंपोर्ट के लिए हमने साथ में हेल्पर डॉट इंडिविजअल फंक्शन को कॉल किया है एंड फिर हमने अपने प्रोग्राम में एज डिजिट जैसे स्ट्रिंग मेथड्स को भी यूज़ किया है साथ में कुछ चेक्स भी लगा दिए कि अगर यूज़र कुछ गलत इनपुट देता है तो आप इस कंडीशन में क्या हमें प्रिंट दिखाना है यूज़र को उम्मीद करता हूं कि आज के ट्यूटोरियल में आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा कोडिंग मंत्रास चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें थैंक यू